बच्चा कैसे कैमरे में शूट करवा रहा है और स्माइल भी कर रहा है। ये देखिए फ्रेंड, यहाँ की पाव भाजी जो होती है, इससे पहले भी हमने ट्राई किया था, बहुत ही टेस्टी बनाया था भैया ने। फ्रेंड कैसे आप लोग, आशा करती होंगी आप लोग ठीक होंगे। तो फ्रेंड अभी सुबह के 9:30 बज चुके हैं और मुझे आज इमरजेंसी में सुबह सुबह क्लिनिक आना पड़ा अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए। और अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए मैं क्लिनिक जल्दी आई हूँ ताकि मेरा जल्दी नंबर आ जाए। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो जाता है फ्रेंड, और अल्ट्रासाउंड भी खाली पेट में करवाना होता है। तो पतिदेव गए हैं अभी टोकन लेने, आप जितना जल्दी टोकन ले लोगे आपका नंबर उतना ही जल्दी आ जाएगा। तो पतिदेव ने टोकन लेकर के रिसेप्शन पर गए हैं, अब देखती हूँ मेरा नंबर कौन सा आता है। तो बने रहिए आप लोग मेरे साथ। तो अल्ट्रासाउंड मेरा हो गया है और अब मैं वेट कर रही हूँ रिपोर्ट का। एक्चुअली मैम ने बोला है रिपोर्ट में अभी 1 घंटा लगेगा टाइम, तो मैं वेट कर रही हूँ। और पतिदेव चले गए ऑफिस, ऐसे भी मुझे वेट करना ही था क्योंकि पतिदेव ऑफिस चले गए हैं और जब वो आएंगे तब मैं जाऊँगी और रिपोर्ट भी 1 घंटे में मिलेगा। तो मैं अभी वेट करके वेट कर रही हूँ और देखिए आप लोगों को मैं दिखाती हूँ वेटिंग एरिया में कितने आदमी वेट कर रहे हैं रिपोर्ट के लिए। फिर मैं शाम में जाऊँगी अपने मैम के पास, फिर देखती हूँ रिपोर्ट में क्या आया है, वो मैम ही बताएंगी। यहाँ पे तो डॉक्टर ने बताया नहीं, मैंने पूछा लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बताया। और मुझे लग गई है काफ़ी तेज़ भूख क्योंकि मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं था। अल्ट्रासाउंड खाली पेट में होता है। तो मैं जा रही हूँ अभी बाहर, देखती हूँ क्या मिल रहा है यहाँ पे आसपास, क्योंकि कहीं दूर मैं जाऊँगी नहीं। काफ़ी तेज़ धूप हो रही है और पतिदेव भी नहीं है, वो रहते तो बाइक से ले जाते, कहीं भी कुछ भी खिला के ले आते हैं। तो यहाँ पे आसपास जो भी कुछ मिलेगा मैं थोड़ा सा खा लेती हूँ, फिर आप लोग को मैं बाहर जाके दिखाती हूँ मैं क्या खाती हूँ। बाहर आ गई हूँ कुछ नाश्ता करने के लिए क्योंकि अल्ट्रासाउंड करवाना था, इसलिए मैं सुबह कुछ ब्रेकफास्ट करके नहीं आई थी और काफ़ी लेट हो गया है, 11 बज गया है। तो मैं जा रही हूँ कुछ नाश्ता करने के लिए, देखती हूँ क्या मिलता है। और देखिए धूप कितनी हो रही है तेज़। देखिए यहाँ एक पूरी सब्जी वाला है, मैं जा रही हूँ यही पूरी सब्जी खाती हूँ क्योंकि मुझे काफ़ी तेज़ भूख लगी हुई है। देखिए ये मुझे भैया ने दे दिया है पूरी और सब्जी और ये मिर्ची, मैं जा रही हूँ खाने, मुझे बहुत तेज़ भूख लगी हुई है। बहुत ही टेस्टी है पूरी सब्जी, मतलब ऐसे नुक्कड़ पे खाना बहुत ही अच्छा भी लगता है और टेस्टी भी लगता है। ये देखिए मैं पूरी सब्जी खा रही हूँ, भैया ने 20 की मतलब 4 पूरी और आलू की सब्जी और प्याज दिया है। और यहाँ पे सिर्फ यही था और एक कचौड़ी वाला था। तो अब मैं सुबह सुबह कचौड़ी खाऊँगी नहीं क्योंकि एसिडिटी की भी प्रॉब्लम हो जाती है और ऐसे भी खाली पेट में ऐसे ऑयली चीज़ खाना नहीं चाहिए। तो बस आगे मैं आप लोगों को बताती हूँ मैं कहाँ जाती हूँ और क्या क्या करती हूँ। रिपोर्ट तो मिल गया है मुझे, ये देखिए मेरा रिपोर्ट। और मैं अभी पतिदेव का वेट कर रही हूँ और पतिदेव आएंगे उसके बाद मैं यहाँ से जाऊँगी क्योंकि मतलब मैं जा कर के कोई फ़ायदा नहीं, यहाँ से ऑटो करना पड़ेगा और ऑटो वाला काफ़ी टाइम लगाया क्योंकि अभी यहाँ के रोड ना काफ़ी ज़्यादा टूटे हुए हैं, वो चारों तरफ का रोड बना रहा है तो ऑटो में बहुत ही ज़्यादा टाइमिंग ऑटो वाला लगा देता है। तो मैं वेट कर रही हूँ पतिदेव का और पतिदेव आ जाएंगे फिर मैं जाऊँगी। और आरुष का भी टाइम मुझे लगता है तब तक हो जाएगा उसे कोई स्कूल से लेने का, 2 बजे उसकी छुट्टी होती है गाइस। तो मैं उसको स्कूल भी जाऊंगी और आरुष को लूंगी वहाँ से। मुझे काफ़ी दिनों से आरुष के स्कूल पे आना था उसकी मैम से मिलने के लिए, मुझे ना उसकी क्लास टीचर से बात करना था, तो इसी बहाने मैं आज आरुष के स्कूल भी चली जाऊंगी उसकी मैम से बात करने के लिए। और फिर आगे मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मैं क्या करती हूँ कहाँ जाती हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ। तो पतिदेव आ गए थे, मैं वहाँ से निकल गई हूँ क्लिनिक से और अभी हम लोग आए हैं साउथ इंडियन शॉप पे। पतिदेव को भी भूख लगा हुआ था, उन्होंने सुबह में कुछ ब्रेकफास्ट करके नहीं निकले थे क्योंकि मुझे जल्दी क्लिनिक पहुँचना था, इसलिए उनको भी ब्रेकफास्ट करने का टाइम नहीं मिला था। तो मैं आप लोग को दिखाती हूँ भैया पाव भाजी बना रहे हैं, मुझे तो खाना नहीं है, मैंने पूरी और सब्जी खा लिया था। इस देखिए भैया पाव भाजी बना रहे हैं, पतिदेव कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, बेचारे धूप से आए थे बहुत तेज, इनको प्यास लग रही थी। और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कैसा बना रहे हैं ये पाव भाजी। तो गाइस हम लोग देखिए पाव भाजी बन रहा है, उसको वेट कर रहे हैं, इधर भैया पाव भाजी बना रहे हैं और पतिदेव
कोल्ड ड्रिंक बेचारे उनको बहुत तेज भूख लगी हुई थी, सुबह से इन्होंने कुछ खाया नहीं है तो ये कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे। तुम कुछ बोलोगे? नहीं, मैं कुछ नहीं बोला, भूख लगी है, भूख लगी है। तो गाइस अभी बना रहे हैं भैया, और हमने कुछ लंच के लिए भी पैक करवाया है। हमने पैक करवाया चाप, रेशमी चाप और रुमाली रोटी। फिर मैं अभी आरुष के स्कूल जाऊंगी, फिर मैं आरुष को वहाँ से लूँगी, उसके बाद फिर मैं घर जाऊंगी, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ, बने रहिए मेरे साथ। तो गाइस देखिए भैया कितने अच्छे से बना रहे हैं। यहाँ की पाव भाजी जो होती है, इससे पहले भी हमने ट्राई किया था, बहुत ही टेस्टी बनाया था भैया ने, तो हम फिर आए हैं दूसरी बार इनके शॉप पे खाने के लिए। तो गाइस देखिए भैया ने बना के दे दिया, और देखिए हमारा टिशू अब हमें कहाँ गया मैंने नहीं पकड़ा, और पतिदेव को बहुत तेज़ की भूख लगी है तो ये बेचारे टूट पड़े हैं पाव भाजी पे। और ये देखिए कितनी टेस्टी, आप लोगों को देखने में भी लग रहा होगा टेस्टी, और सच में गाइस बहुत ही टेस्टी बनाते हैं ये। भाजी खा लिया है, ये देखिए बिल्कुल खाली कर दिया हमने प्लेट, और पतिदेव गए हैं अभी भैया के पास। हमने लंच पैक करवाया, लंच में हमने पैक करवाया है रेशमी चाप, ये देखिए आपको उनके काउंटर पे भी दिख रहा होगा उनका मेन्यू, और रुमाली रोटी। और पतिदेव अभी उनको गए हैं पैसे देने के लिए, और हमने जो लंच पैक करवाया है वो लेने के लिए। अब हम यहाँ से जाएंगे आरुष के स्कूल। हम आ गए आरुष के स्कूल, अभी आरुष की छुट्टी होने में 10 मिनट है, तो मैं यहाँ पे वेट कर रही हूँ। और इधर देखिए इधर पतिदेव भी हैं, और मैं आप लोग को दिखाती हूँ छुट्टी के टाइम इसके मतलब गेट के सामने कितना ज़्यादा भीड़ हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक लग जाती है गाइस। तो गाइस ये देखिए देखिए कितनी ज़्यादा भीड़, अभी तो 10 मिनट है छुट्टी में, तब इतना ज़्यादा है, यहाँ पे इतनी ज़्यादा ट्रैफिक लग जाती है, बहुत मतलब प्राइवेट वैन रिक्शा, और जिनके पास फोर व्हीलर है वो अपने बच्चों को फोर व्हीलर से लेने आते हैं। और ये देखिए गाइस स्कूल खुल मतलब गेट खुल गया है, लेकिन ये अभी छोटे बच्चों के लिए खुला है, तो ये छोटे बच्चे के पेरेंट्स जा रहे हैं अंदर लेने के लिए, आरुष की छुट्टी में अभी टाइम है। और ये देखिए गाइस ये बच्चा कैसे कैमरे में शूट करवा रहा है और स्माइल भी कर रहा है, ये देखिए फ्रेंड। तो गाइस देखिए आरुष की मैम आरुष को लाइन में लेके आ रही है, और आरुष मुझे देख लिया है, वहीं से वो देख रहा है मुझे, अभी वो आ रहे हैं। फिर उसकी मैम से भी मुझे थोड़ा बात करना है, उसकी क्लास टीचर न्यू चेंज हो गई हैं। तो गाइस ये देखिए आरुष आ गया है, और ये आरुष की ड्रेस। अब अभी आरुष की मैम से बात करके आई हूँ, आरुष की ड्राइंग टीचर से भी बात करना था, क्लास टीचर से। और ये लड़का ना क्लास में बहुत स्लो काम करता है, अभी इसकी मैम का यही कंप्लेन था। बाकी अब हम लोग घर जा रहे हैं, मिलते हैं आप लोगों से। गाइस मैं घर पे आ गई हूँ, और हमने जो लंच लिया था आप लोगों को दिखाया ही था, ये देखिए मैंने निकाला है, ये देखिए गाइस रेशमी मलाई चाप, रुमाली रोटी, और ये प्याज है, और ये इधर चटनी है गाइस, और ये आरुष बैठा हुआ है। आरुष को बहुत जल्दी हो रही है खाने की, क्योंकि इसको बाहर का खाना इतना मतलब पसंद है ना, ये तो इसका मन चले और इसका बस चले तो ये रोज ही बाहर का खाना खाए। पतिदेव भी खाने पे मतलब दोनों खाने पे टूट पड़े हैं, ये देखिए गाइस, ये देखिए रुमाली रोटी और ये चाप, खाओ आरुष आप भी खाओ। और गाइस आज के लिए इतना ही, आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।